आईएनएस विक्रमादित्य को इंडिया की नेवी के द्वारा खरीदने से पहले रशियन नेवी का यह पार्ट था, जहां पर यह एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट क्रूजर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसमें एयरक्राफ्ट्स को रनवे के द्वारा लॉन्च नहीं कराया जा सकता था बल्कि केवल वर्टिकली टेक ऑफ होने वाले प्लेन्स को ही इस पर उतारा जा सकता था। और जब इंडियन नेवी में इसे कमीशन किया गया तो सबसे पहले एयरक्राफ्ट्स को लॉन्च करने के लिए इसमें स्टोबार सिस्टम इंस्टॉल किया गया, यानी कि शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड वायर लैंडिंग। इसमें कैरियर स्की जंप मेथड की मदद से एयरक्राफ्ट्स को लॉन्च कर सकता है और लैंडिंग के लिए अरेस्टिंग वायर का ही यूज करता है। इस मेथड के कई फायदे होते हैं। सबसे पहले तो ऑपरेट करने में ये काफी ज्यादा आसान होता है और इसमें कम क्रू मेंबर्स की जरूरत होती है। साथ ही में स्टोबार सिस्टम में मेंटेनेंस का खर्चा काफी कम होता है क्योंकि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है।